गाइस ये हमारी N5 ग्रामर सीरीज की वीडियो नंबर 5 एंड लेसन 3 की वीडियो नंबर 1। इसमें हम बहुत ही मज़ेदार पैटर्न सीखने वाले हैं। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए, कांजी PDF, वोकैबुलरी PDF या फिर रीडिंग PDF या फिर वर्कबुक PDF, तो आप हमें कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा या ईमेल कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं यौन भूमिका देवा हाजी माशो। गाइस हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैटर्न से, जिसमें हम सीखने वाले हैं NO वीमास। इसमें हम ओ पार्टिकल है, इसका यूज सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। अनातावा, अनाता मतलब होता है यू, ये वाला यू, आप। अनातावा राज्यो ओ किकीमास का है लास्ट में, तो क्वेश्चन पूछा गया है। अनातावा राज्यो मतलब होता है रेडियो, जो रेडियो होता है ना, पुराने ज़माने में रेडियो चलता था उस टाइप का। राज्यो ओ किकीमास का, तो किकीमास है टू लिसन, टू लिसन के लिए किकीमास वर्ब लगाते हैं हम। तो इन्होंने पूछा अनातावा राज्यो किकीमास का, मतलब आप रेडियो सुनते हैं क्या? तो क्वेश्चन था ये हमारा, आंसर जो आया हाई यस, वाता शिवा मैं राज्यो ओ किकीमास, यस मैं रेडियो सुनता हूँ, वाता शिवा राज्यो किकीमास। ओके, तो इसमें हम ओ पार्टिकल का यूज़ सीख रहे हैं। तो सेकेंड सेंटेंस है जो हमारा पैटर्न है सेकेंड वाला, तो एन ओ वी मासेन, यानी कि अब हम वर्ब को, जो ये हमारी वर्ब थी, देखिए मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, एंड जो हमारी ये वर्ब थी, तो जो हमारी ये वर्ब थी ये वाली, इसको अब हम नेगेटिव करेंगे कि नहीं मैं रेडियो नहीं सुनता हूँ। या फिर इस सेंटेंस की मदद से देखते हैं कि अनातावा टेनिसु मतलब होता है टेनिस, जो गेम होता है टेनिस। अनातावा टेनिसु ओ शिमास होता है टू प्ले, या जो गेम के साथ वर्ब आती है टेनिसु ओ शिमास या फिर बैडमिंटन ओ शिमास। तो अनातावा राज्यो ओ किकीमास का ऊपर था, तो यहाँ पर है अनातावा टेनिसु ओ शिमास का, कि आप टेनिस खेलते हैं क्या? शिमास टू प्ले, अनातावा मतलब आप, टेनिस मतलब टेनिस, शिमास का खेलते हैं क्या? तो ये नहीं वाता शिवा मैं टेनिस टेनिसु ओ शिमासेन, शिमास का शिमासेन कर दिया। अगर हम फर्स्ट वाले सेंटेंस को नेगेटिव करें कि अनातावा राज्यो ओ किकीमास का, तो हम करेंगे ये नहीं वाता शिवा राज्यो ओ किकीमासेन, मास का जो है मासेन कर देना है हमको। ओके, अब हम आते हैं थर्ड पैटर्न पर। थर्ड वाला पैटर्न क्या कहता है? नानी, नानी नानी ओ वीमास का, मतलब आप क्या करते हैं। जैसे हम पढ़े फर्स्ट सेंटेंस, अनातावा नानी ओ योमीमास का, योमीमास होता है टू रीड होता है योमीमास, ये वर्ब है। इसकी जो लिस्ट है वोकेबलरी, मतलब इस चैप्टर की जो वोकेबलरी लिस्ट है, आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में जो आईडी है हमारी इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैसेज कर दिए, मैं आपको ईमेल कर दूँगा, या फिर आप मेरे को आप कमेंट में ईमेल सेंड कर दीजिए, वहाँ पे मैं इसको, इसकी जो वोकेबलरी का PDF है, आपको सेंड कर दूँगा। तो नानी नानी ओ वीमास का, अनातावा नानी ओ योमीमास का, योमीमास टू रीड, तो आप नानी ओ, मतलब नानी मतलब होता है वोट, नानी ओ योमीमास का, आप क्या पढ़ते हो? तो आंसर दिया वाता शिवा जासी, जासी मतलब होता है मैगजीन, जासी ओ योमीमास, मैं मैगजीन पढ़ता हूँ। देखिए हमें ना एज इट इज़ जो वर्ब होती है, वर्ब से पहले मैं आपको जो वोकेबलरी लिस्ट दूंगा, उसमें वर्ब से पहले, हर वर्ब से पहले एक पार्टिकल लगाया होगा, मोस्टली तो ओ ही लगा होता है, और फिर आगे जब जैसे आपका लेवल जो है जैपनीज का वो बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप सीखते जाएंगे कि किस वर्ब से पहले कौन सा पार्टिकल हमको यूज़ करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको देखते रहना है कि इस वर्ब के साथ ये पार्टिकल यूज़ होता है, इस वर्ब के साथ ये पार्टिकल यूज़ होता है, मतलब रटना नहीं है, एक माइंड सेट करना है कि इस वर्ब के साथ ये पार्टिकल यूज़ होना है। ठीक है, तो हमें फिर दिक्कत नहीं होगी उस वर्ब के साथ कौन सा पार्टिकल आना है, हम उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तीन पैटर्न थे। अब हम आते हैं फोर्थ पैटर्न पर। देखिए जो हमारा सेंटेंस है, यमादा सान वा किनो पिनपोन ओ शिमाश्ता, मतलब हम क्या कर रहे हैं। देखिए जैपनीज में क्या होता है, टू टाइप सेंटेंस होते हैं, एक तो नॉन पास्ट सेंटेंस और एक पास्ट सेंटेंस। ठीक है, तो नॉन पास्ट हो जाएगा जिसमें हमारा क्या क्या होता है, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। नॉन पास्ट में जो है प्रेजेंट और फ्यूचर ऐड होता है, और फिर पास्ट है जो
उसमें तो हम नॉर्मली पास्ट सेंटेंस बनाते हैं, तो अगर हम जापानीज में कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो या तो वो फिर, अगर हम देखिए मास लगा के कोई सेंटेंस बोलते हैं तो मास लगा के सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें क्या होगा कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मिला हुआ होगा। तो अब आप कहेंगे कि हम कैसे बताएं कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें टाइम का यूज़ करना पड़ता है। कि जैसे मैं फ्यूचर की बात करूँगा, कल की बात कर रहा हूँ, तो मैं टुमारो की बात कर रहा हूँ, तो मैं टुमारो को बोलते हैं असीता, तो मैं असीता लगा के सेंटेंस बताऊँगा तो जो हमारा लिसनर होगा वो समझ जाएगा कि हम जिससे हम बात कर रहे हैं वो समझ जाएगा कि भाई हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, या फिर अगले महीने की बात करें, नेक्स्ट मंथ के लिए हम राइगेत्सु बोलते हैं तो राइगेत्सु लगा के हम सेंटेंस बताएंगे। इस टाइप से हमें पता लगता है कि भाई फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है या फिर प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा होगा, तो नॉर्मली टाइम का यूज़ नहीं करेंगे हम, आज सुबह शाम उस टाइप के हम वोकैब लगा के, नाउन लगा के यहाँ पर सेंटेंस बताएंगे। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, यमादा सान वा, यमादा सान वा, यमादा सान जैपनीज नेम है, यमादा सान वा किनो मतलब होता है यस्टरडे, किनो पिनपोन होता है पिंग पोंग जो गेम होता है पिंग पोंग, और शिमाश्ता, शिमाश्ता शिमास होता है टू डू या टू प्ले, गेम गेम को प्ले करने के लिए शिमास आता है मतलब टू प्ले। शिमास को हम अगर पास्ट करेंगे तो शिमाशिता हो जाएगा, शिमाशिता। तो यमादा शानवा किनो पिनपोन ओ शिमाशिता, पिनपोन शिमाशिता से पहले ओ पार्टिकल आता है, तो यमादा शानवा मतलब यमादा शान ने कल पिनपोंग जो गेम है पिंग पोंग ओ शिमाशिता मतलब पिंग पोंग खेला था। ओके, अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस, वाता शिवा, वाता शिवा मतलब आई, वाता शिवा अशिता मैं कल, अशिता मतलब होता है टमोरो, वाता शिवा अशिता पिंग पोंग ओ शिमास। यहाँ पे हमने शिमाशिता लगा के पास्ट वर्ब को जो है पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर शिमास है तो वो उसमें दोनों है, नॉन पास्ट और फ्यूचर दोनों इसमें कंबाइन है। तो यहाँ पर वाता शिवा मैं अशिता कल, टुमोरो आने वाला कल, पिंग पोंग शिमास मैं कल पिंग पोंग खेलूंगा, और ऊपर वाला था यमादा सान वाकिनो, यमादा सान ने कल पिंग पोंग ओ शिमाशिता पिंग पोंग खेला था। ओके, तो अब आपको पता लग गया होगा कि कैसे वर्ब को पास्ट करना है और कैसे वर्ब को फ्यूचर में, और जो प्रेजेंट है वो तो सेम ही रहता है कि हम नॉर्मली जो शिमास है जो मास फॉर्म होती है उसमें वो फ्यूचर भी ऐड होता है और प्रेजेंट भी, बस हमें टाइम लगा के अपने सेंटेंस को जो हम बात कहना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। तो अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो मतलब स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं फिफ्थ पैटर्न पर। फिफ्थ पैटर्न में हम क्या करना है, अब हमें क्या करना है, पास्ट, पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो आना तावा, आना तावा ओतोतोई, ओतोतोई मतलब होता है डे बिफोर यस्टरडे, जो यस्टरडे था मतलब परसों बोलते हैं हिंदी में हम, तो परसों वाले दिन आना तावा ओतोतोई। एगो, एगो मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज, आनाता मतलब आप, ओतोतोई मतलब परसों, ईगो मतलब इंग्लिश, ईगो ओ बेंक्यो शिमाश, बेंक्यो शिमाश होता है टू स्टडी, तो बेंक्यो शिमाशिता का, बेंक्यो शिमाशिता का क्या हो गया, बेंक्यो शिमाश मतलब होता है टू स्टडी मतलब पढ़ाई करना, और बेंक्यो शिमाशिता मतलब पास्ट में चला गया कि पढ़ाई की थी क्या, क्योंकि का है लास्ट में, तो हम क्वेश्चन पूछना है कि आना तबा ओतोतोई आपने परसों ईगो ओ इंग्लिश को पढ़ा था क्या, क्या इंग्लिश की पढ़ाई की थी क्या, तो क्वेश्चन आया ये नहीं, जो आंसर दिया उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया वो दिया ये नहीं, वाताशीवा ओतोतोई मैंने परसों, वाताशी मतलब आई, मैंने ओतोतोई परसों ईगो ओ बेंक्यो शिमाशेन देशिता। इस तरीके से हमको वर्ब को पास्ट नेगेटिव करना है कि बेंक्यो शिमाशेन जो नॉर्मली हम करते हैं कि बेंक्यो शिमाश का बेंक्यो शिमाशेन कर दिया, उसके बाद में हमें देशिता ऐड कर देना है तो वो पास्ट में चला जाएगा, तो कि बेंक्यो शिमाशेन देशिता। ऐसे ही अगर हम ये वाला सेंटेंस है जो ऊपर वाला, इसको हम अगर हम पास्ट में ले जाएं पास्ट नेगेटिव, तो देखिए वाताशिवा अशिता नहीं, ये नहीं, ये वाला वाताशिवा किनो यमादा सानवा किनो पिंगपोंग ओ शिमाशिता माना यमादा सान ने कल पिंगपोंग खेला था। अगर हम बोले नहीं खेला था, पास नेगेटिव करें, तो यमादा सान वा किनो पिंगपोन ओ
शीमाशेन दशिता, ऐसे ही कर देना, जैसे बेंक्यो शीमाशेन था ऐसे ही हमें शीमाशेन दशिता कर देना है, तो वो हमारा पास नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम आते हैं सिक्स पैटर्न पर, इसमें हम सीखेंगे दो को, ये लिखा हुआ है दो को, आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको ये लिखा हुआ है दो को वी मस का, दो को मतलब होता है वेयर, ये वेयर, वेयर दो को दे वी मस का, दे पार्टिकल, यहाँ पर अब हम सीखेंगे दे पार्टिकल का यूज़, कि आना तावा दो को दे एगाओ मी माश्ता का, दो को दे मतलब, दो को मतलब वेयर, और दे पार्टिकल यहाँ पे लगाया हमने प्लेस के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो एक्शन पार्टिकल कि वहाँ पे हम कोई एक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए प्लेस के साथ दे, तो प्लेस और दे और वर्ब, ठीक है। आना तावा दो को दे, आपने कहाँ पे, आना था मतलब यू, दो को दे मतलब वेयर, कहाँ पे, एगा, एगा मतलब होती है मूवी, एगो मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज, एगा मतलब होता है मूवी, मूवी ओ मीमाश्ता, जो ये लिखा हुआ है ये वर्ब है, ये मीमाश्ता है, मीमाश्ता मतलब होता है वॉच या टू सी, तो आपने आना तावा दो को दे एगाओ मीमाश्ता का, आपने मूवी कहाँ पर देखी थी, तो आंसर दिया वाताशिवा गिंजा नो, गिंजा जैपनीज प्लेस है, गिंजा नो गिंजा के एगा कान दे, एगा कान मतलब होता है मूवी थिएटर, ठीक है, मूवी थिएटर एगा कान दे, एगा कान यहाँ पर प्लेस के साथ दे, क्योंकि वहाँ पर एक्शन कर रहे हैं हम, एगा कान दे एगाओ मीमाश्ता, माशिता है तो पास्ट में सेंटेंस है कि वाताशिवा किनो एगा गिंजा नो एगा कान दे, वाताशिवा गिंजा नो एगा कान दे एगाओ मीमाश्ता, तो मैंने कल वाताशिवा किनो तो नहीं है, वाताशिवा गिंजा नो एगा कान दे, मैंने गिंजा के एगा कान में एगाओ मीमाश्ता मूवी देखी थी, ओके। तो ये सिक्स पैटर्न, छः पैटर्न हमने सीखे आज, इसमें से आपको कोई समझ नहीं आया हो तो कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा हिंदी में, ठीक है।